सड़क पर रहने वाले स्ट्रीट डॉग और उनके छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियों के पहियों के नीचे आकर जान गंवाते आपने बहुत देखा होगा, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक कुत्ते को जिसने ऐसे ही हादसे में अपना परिवार खो दिया हो, उसका किसी ने दर्द बांटा हो। धनबाद में रहने वाली सुमित्रा ने जो किया वह अपने आप में बेहद खास है। उसने न केवल परिवार से बिछड़े कुत्ते के बच्चे को अपनाया, बल्कि उसके पहले जन्मदिन को ऐसा यादगार बना दिया कि उसके मोहल्ले के साथ साथ आसपास के मोहल्लों में भी हर जुबान पर बस इसी की चर्चा हो रही है। सुमित्रा कुमारी ने बताया कि पिछले साल 29 नवंबर को वह पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने पहुंची थी। उसने देखा कि सड़क पर बस से कुचलकर डॉगी और उसके तीन बच्चे मृत पड़े थे। उनमें से एक जिंदा था और अपने परिवार के शत विशत शवों के पास खड़ा होकर कांप रहा था। किसी ने उसकी परवाह नहीं की। थोड़ी और देर होती तो शायद वह भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाता। सुमित्रा उसके पास पहुंची और उसे अपने साथ घर ले गई। प्यार से उसका नाम ऑस्कर रखा। धीरे धीरे ऑस्कर परिवार में घुल मिल गया। जिस दिन कुत्ते को घर लेकर आई थी, सुमित्रा ने उसी दिन उसका पहला जन्मदिन मनाया। मंगलवार को जन्मदिन का जश्न शान और शौकत से मना। बकायदा ऑस्कर के जन्मदिन का कार्ड छपवाया गया और तकरीबन 300 मेहमानों को न्योता भेजकर शानदार पार्टी दी गई। सुमित्रा ने कुत्ते की लंबी उम्र के लिए गोपालीचक गांधीग्राम के कुष्ठ रोगियों में फल बांटे। आज तक इंसान और जानवरों के बीच ऐसा प्रेम सिर्फ फिल्मों या कहानियों में ही देखने को मिलता था, पर इस तरह से अपने पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाकर सुमित्रा ने जानवर और इंसान की दोस्ती की कहावत को सच कर दिया।